उसमें थ्योरी ज्यादा है लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है आपको, ठीक है? क्या कहते हैं? तो इस चैप्टर को अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं। ये वैसे मैं पहले भी बता कर आया हूँ, क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? नेट करंट एसेट्स को, बताया था नेट करंट एसेट्स को, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये तो थ्योरी है, हमने सिर्फ आज यहाँ तक ही पढ़ना है। वर्किंग कैपिटल के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या जैसा, ये एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज और हमें किताब में भी वही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारा किताब में भी वैसे लिखा है, तो इन चैप्टर के लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, ये कोर एरिया हमारा, किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजिशन को अगर आपने चेक करना हो कि वो बिजनेस लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है या उसकी लिक्विडिटी पोजिशन वीक है। लिक्विडिटी पोजिशन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब बिजनेस हैज इनफ कैश, इनफ लिक्विड कैश टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अगर किसी के पास अपने बिल अदा करने के पैसे नहीं है तो उस बिजनेस को कहा जाता है लिक्विडिटी क्राइसिस है, बिजली का बिल है नहीं दे पा रहे, एम्प्लॉयज की तनख्वाहें टाइम पे नहीं दे पा रहे, रेंट फैक्ट्री का बिल्डिंग का रेंट टाइम पे नहीं दे पा रहे। तो जब भी कोई इदारा अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई ना कर सके तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी क्राइसिस। तो किसी भी इदारे की लिक्विडिटी पोजिशन को कैसे चेक करना है कि उसमें कितना माल है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की तीन स्ट्रेटजीज हैं वो पढ़नी है, और आखिर में आपको किसी भी इदारे की वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया है, जी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो लास्ट टाइम इस पे क्वेश्चन आया है, इस दफा मुझे उम्मीद नहीं है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन आए। इसके मध्य मुकाबले चैप्टर है बजटिंग, जिस सेक्शन में से ये चैप्टर लिया गया है उसके मध्य मुकाबले चैप्टर है बजटिंग, तो मुझे यही लगता है कि इस दफा बजटिंग में से आएगा, इसमें से आने का चांस कम है। लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, आसान सा चैप्टर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल सिर्फ इसमें है, ये 5 में और 7 में बस, बाकी न्यूमेरिकल नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? तो आ जाते हैं जी, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, नजर आ रहा है ये वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? जी जनाब, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? तो इसकी कई तरह से डेफिनेशन की जाती है, तो हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद ले रहे हैं, तो इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। आई कैप में वैसे पहली ये वाली चलती है, वर्किंग कैपिटल से मुराद क्या है, वो फंड्स हैं, वो पैसा है जो आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए चाहिए, आपको अपने डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए जितना कैपिटल, जितने फंड्स चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और वो कहता है वेयर वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है, ये काम जबान में है कि आपको अपने डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए जितने करंट एसेट्स चाहिए और उन करंट एसेट्स को खरीदने के लिए जितने फंड्स चाहिए, उन फंड्स को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो वो कहता है वर्किंग कैपिटल कैन बी डिफाइंड इज एज नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स का मतलब नेट करंट ऑपरेटिंग एसेट बिजनेस के, जिसमें करंट एसेट माइनस क्या है, करंट लाइबिलिटीज। और वो कहता है ये आप लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस करेंगे, किससे फाइनेंस करेंगे, यानी उनको खरीदने के लिए जो आप पैसा इस्तेमाल करेंगे वो लॉन्ग टर्म फंड्स का होगा। तो ये बात मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बात मैं थोड़ी सी क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन। मिसाल के तौर पर देखें, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो वर्किंग कैपिटल ऐसे आएगा, करंट एसेट्स माइनस क्या है, करंट एसेट्स में मिसालें क्या दी गई हैं, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो मिनिमम कैश आपके करंट अकाउंट में पड़ा होता है, करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल, तो ये प्लस माइनस करेंगे तो ये वर्किंग कैपिटल। लेकिन इसको हम जरा एक मिसाल से समझते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ तीन चीजें लूंगा वर्किंग कैपिटल समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक बिजनेस की इन्वेंट्री है 50,000 रुपए की, उसके रिसीवेबल कितने हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए के, टोटल कितना हो गया,
80,000 माइनस उसकी करंट लाइबिलिटीज में जो है पेबल्स है, पेबल्स वो है फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए के, तो वर्किंग कैपिटल का आंसर कितना आ जाता है? अब ये जो 60,000 है ना, इसको आप कई तरह से समझ सकते हैं। एक तरीका तो समझने का ये है कि कंपनी के 80,000 के एसेट्स हैं, जिसमें से कंपनी 20,000 की करंट लाइबिलिटीज को पे कर देगी, तो कंपनी के पास रिमेनिंग करंट एसेट्स कितने बचेंगे? एक तो ये तरीका है समझने का इसको, कि यानी आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करके ये देखना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने करंट एसेट्स अवेलेबल है। समझ आ रही है? आई कैप की किताब जो है, जो ये चैप्टर है, वो चैप्टर ये इसके ये मायने नहीं ले रहा। आई कैप की किताब ये कहती है, और ये मीनिंग ज्यादा डोमिनेंट है आई कैप के उसमें सिलेबस में, कि आप इसको ऐसे ना पढ़ें, आप इसको ऐसे पढ़ें कि इदारे को इन्वेंट्री खरीदने के लिए 50,000 रुपए के फंड्स रिक्वायर्ड है। इदारे को इन्वेंट्री खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए? 50,000। इदारे को रिसीवेबल रखने के लिए, रिसीवेबल का मतलब होता है कि आपने चीजें बना के उधार पे किसी को दे दिया। अब जब आपने चीजें बना के उधार पे दी हैं तो वो मुफ्त तो नहीं बनी होंगी, पैसे तो लगे होंगे या लगेंगे। तो अगर आपके रिसीवेबल 30,000 हैं, तो इसका मतलब है आपको इसके लिए भी फंड्स क्या चाहिए? रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी इदारे के 50,000 की इन्वेंट्री और 30,000 के रिसीवेबल हैं, तो इसका मतलब है उस इदारे को अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने फंड्स टोटल रिक्वायर्ड है? 80,000। समझ आ रही है? इस 80,000 का मतलब हमें टोटल 80,000 के फंड्स रिक्वायर्ड है to have investment in the current assets. 20,000 minus करने का मतलब है कि आप किसी के पैसे bound करके, payable कौन होते हैं? जिनके पैसे आपने देने होते हैं। Company किसी के पैसे bound करके कितने पैसे bound कर रही है? तो वो 20,000 business में use किए जा रहे हैं। Actually जब आप अपने payable को पैसे नहीं ना दे रहे, तो इसका मतलब है आप उनके पैसे अपने business में क्या कर रहे हैं? Use कर रहे हैं। तो ये आपके लिए पैसे अवेलेबल हो गए। 80,000 में से 20,000 आपके अपने पास पड़े हुए हैं, या अपने वो लोगों के पैसे आप पेबल के इस्तेमाल करेंगे, तो कंपनी को कितने और फंड्स चाहिए? इदारे को फंड्स चाहिए कितने? फिर इसका मतलब है अगर 80,000 थे, जिसमें से आपने अपने पैसे 20 पेबल के रोक के पूरे कर लिए, तो आपको एक्सटर्नल फंड और कितने चाहिए? या आपको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए 60,000। ये जो फंड्स आप लेंगे ना, ये आप शॉर्ट टर्म से नहीं लेंगे। ये जो आपको मार्केट से फंड्स चाहिए, ये आप, उसने कहा है, ये आप कहाँ से रेस करेंगे? लॉन्ग टर्म से। और लॉन्ग टर्म से पैसे लेने के दो रास्ते हैं, या तो कंपनी शेयर इशू कर दे, या कंपनी लॉन्ग टर्म क्या ले ले? डेट ले ले। याद रखें, जितना आपको ये पैसे चाहिए, इस 60,000 के दो मतलब है। एक मतलब तो ये है कि बिजनेस में 60,000 के नेट करंट एसेट है। दूसरा इसका मतलब ये है कि आपको अपने करंट एसेट्स के लिए 60,000 एक्सटर्नली फंड रेस करने हैं, ताकि आप अपने करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट को क्या कर सकें? पूरा कर सकें। हम ये वाली कहानी ज्यादा बोलेंगे कि कंपनी को इन्वेंट्री के लिए 60,000 के फंड चाहिए, रिसीवेबल के लिए, क्योंकि रिसीवेबल में पैसे ब्लॉक हो गए। जब किसी चीज में पैसे ब्लॉक हो गए, तो वो पैसे आपके इन्वेस्टेड है, उन पैसों को अरेंज करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से। तो 50 + 30 = 80 और -20 करो तो 60,000 इज योर वर्किंग कैपिटल। कैलकुलेशन तो आपने रट्टा लगा लेनी है, मीनिंग समझ में। क्या मैं आपको अपनी बात समझा पाए? दो मतलब है। दोनों मतलब क्या है? एक मतलब है एसेट साइड वाला, कि कंपनी के पास करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी देने के बाद नेट करंट एसेट्स कितने बचे, ये है एसेट साइड की टर्म। दूसरा लायबिलिटी साइड से सोचें, तो कंपनी को 50,000 इन्वेंट्री के लिए चाहिए, 30,000 रिसीवेबल के लिए चाहिए, तो कंपनी को टोटल फंड्स 80,000 के चाहिए। कंपनी ने पेबल के पैसे बाउंड करके कुछ पैसे की जरूरत को पूरा कर लिया, बाकी पैसे एक्सटर्नली अभी भी कंपनी को मार्केट से क्या करने पड़ेंगे? रेस करने पड़ेंगे। वो जितने पैसे रेस करने पड़ेंगे वो क्या है? 60,000। हमारे आई कैप में कौन सी डेफिनेशन प्रोमिनेंट है? सेकंड वाली, कि कंपनी को एक्सटर्नल पैसे कितने लेने पड़ेंगे? 60,000। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर अगर ये ऐसे हो जाए, अगले साल इन्वेंट्री चली जाए 70,000 की, आपको अगले साल रिसीवेबल आपके हो जाएं 50,000 के, और पेबल आप अगले साल जो पेबल के पैसे यूज करें वो 40,000, तो नेट वर्किंग कैपिटल कितना आ जाता है जी?
इसका मतलब है अगले साल आपको, पिछले साल आपको 60,000 एक्सटर्नल फंड चाहिए थे, अगले साल कितने एक्सटर्नल फंड चाहिए? 60,000 तो वो पुराने पिछले साल वाले पैसे यूज करेंगे, 20,000 का आप एडिशनल वर्किंग कैपिटल या एडिशनल फंड रेज करेंगे, ऐसे ही है ना? पिछले साल भी 60,000 था, वो पैसे रिकवर हो जाते हैं, ये इन्वेंट्री बिक जाती है, रिसीवेबल से पैसे मिल जाते हैं। तो 60,000 आपको जो पिछले साल चाहिए था, अगले साल 60,000 वो भी चाहिए, और एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए? तो हमें 20,000 के एडिशनल फंड्स चाहिए, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितने से इंक्रीज की है? 20,000 से। और समझ आ रही है बात आपको? चले, अब क्या ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए या ये इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए? अच्छा जी, अब सबसे पहले आते हैं कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का मकसद क्या है। आप अपने बिजनेस में इन्वेंट्री क्यों रखते हैं? आप अपने बिजनेस में रिसीवेबल क्यों रखते हैं? आप अपने बिजनेस में कैश क्यों रखते हैं? सिंपल सी बात है, हम अपने बिजनेस में कैश क्यों रखते हैं? ताकि जब हम जरूरत पड़े तो हम टाइमली अपनी ऑब्लिगेशन को क्या कर सकें, मीट कर सकें। रिसीवेबल क्यों रखते हैं? क्योंकि आपकी सेल सारी कैश पे होना पॉसिबल नहीं है, कुछ क्रेडिट पे सेल करेंगे ताकि आपकी सेल बूस्ट हो और जरूरत पड़ने पर आप अपने कस्टमर से पैसे रिकवर करके अपनी लाइबिलिटीज को क्या कर सकें, पे कर सकें। याद रखें, वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है या वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट है, बल्कि सबसे पहले आपको ये बता दूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है कि आप करंट एसेट और अपनी करंट लाइबिलिटीज में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपका कभी ऐसे हो जाए कि ये जो करंट लाइबिलिटीज हैं ये आप ले जाएं, फॉर एग्जांपल करंट एसेट 1,20,000 के हैं और करंट लाइबिलिटी आपकी 1,50,000 पे चली जाए, ये माइनस में 30,000 आ रहा है। ये माइनस में 30,000 आने का मतलब पता है क्या है? इदारे ने अपने करंट एसेट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, इसी वजह से आपको अपने पेएबल का पैसा ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और वो पैसा बाउंड हो जा रहा है, आपके गले पड़ता जा रहा है, आपकी लाइबिलिटीज क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब है ना करंट एसेट बहुत ज्यादा होने देने हैं, ना करंट, उनमें एक रीजनेबल बैलेंस हो। और बैलेंस ये है कि करंट एसेट शुड बी मोर देन द करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस क्या है? करंट एसेट शुड बी, लेकिन बहुत ज्यादा करंट एसेट ना हो, बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा करंट लाइबिलिटीज ना हो, बहुत कम ना हो। मैं अब आपको बताता हूँ करंट एसेट बहुत ज्यादा होने से क्या नुकसान है। अगर मेरी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होगी, इन्वेंट्री के बहुत ज्यादा होने से आपको क्या प्रॉब्लम है? इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो तो इसका मतलब है एक तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रखते हैं आप, जरूरत से बहुत ज्यादा, इतनी डिमांड नहीं है लेकिन फिर भी आपने रखी हुई है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा आपको बताओ? नेगेटिव्स। और स्टोरेज के एक्सपेंसेस यानी स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये भी ऑब्सोलीट होना भी एक नुकसान है। और आपके फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे, वो फंड्स आप कहीं इन्वेस्ट तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ेगी। और वो स्टोरेज कॉस्ट में आ गया सब कुछ जी। टेक्नोलॉजी इन्वेंट्री पे तो नहीं अप्लाई होती, लेकिन चलो हम कहते हैं वो आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, वो ऑब्सोलीट में टेक्नोलॉजी में सब में आ जाता है। ऑब्सोलीट का मतलब ये होता है आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट का मतलब ये है। ये मेन वैसे प्रॉब्लम है कि आपकी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी या चोरी भी हो सकती है, ठीक है, कोई आग शाग लग के डैमेज भी हो सकती है आपकी, ठीक है, रिस्क ऑफ डैमेज पाया जाता है। उसके अलावा अगर वो ज्यादा होगी तो आपको उसकी क्या करानी पड़ेगी, डैमेज से बचाने के लिए फिर इंश्योरेंस। ये मसाइल है ना, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होने में ये प्रॉब्लम है, और अगर इन्वेंट्री बहुत कम है तब प्रॉब्लम क्या है? अगर अगर इन्वेंट्री बहुत कम है तो उसमें आपको ये होगा कि आप बहुत कम इन्वेंट्री होगी तो आप अपनी, हाँ प्रॉब्लम भी चलो बता देते हैं, आपके पास जो भी कस्टमर आएगा, हाँ, आप उसकी डिमांड टाइमली मीट नहीं कर पाएंगे, तो अनएबल टू मीट द कस्टमर डिमांड। अब ना बहुत ज्यादा होने देनी है ना बहुत कम, ज्यादा होने में प्रॉब्लम क्या है, ये नुकसान है। बहुत कम हो जाए तो प्रॉब्लम ये है, अनएबल टू मीट द डिमांड, जिसका मतलब हम क्या हो जाएंगे, स्टॉक आउट। बात समझ आ रही है? इसी तरह आपके रिसीवेबल भी हैं,
अगर आपके रिसीवेबल बहुत ज्यादा हो तो आपके बैड डेट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह आपके पैसे इसमें भी ब्लॉक होते हैं, जब आपके पैसे ब्लॉक होते हैं तो उसकी आपको क्या पड़ती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई दफा हमें अपने रिसीवेबल से पैसे इकट्ठे करने के लिए मजबूरन उन्हें क्या देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है, ठीक है। अगर रिसीवेबल बहुत थोड़े हों, बहुत थोड़े हों, आप क्या नहीं देने ही नहीं क्रेडिट पे सेल, तो आपकी जो सेल है, हाँ सेल की जो ग्रोथ है, सेल में इजाफा होने की बजाय उल्टा कमी आ सकती है, या आपकी सेल की जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है, स्लो हो सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या बता रहा हूँ, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है, कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, दिस बैलेंस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, और इस बैलेंस को क्रिएट करने का नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। अभी मैंने मकसद नहीं बताया, अभी मैं मैनेजमेंट समझा रहा हूं। दो बातें बताई हैं मैंने अभी तक। सबसे पहली बात, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, हमें अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, अपने करंट एसेट्स के लिए जो भी फंड्स रिक्वायर्ड हैं उन फंड्स को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या बिजनेस के जो नेट करंट एसेट्स होते हैं उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये दो डेफिनेशन मैंने बोली। दूसरी बात, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है, तो मैंने कहा देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, और इस बैलेंस को क्रिएट करने को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं। ना करंट एसेट बहुत ज्यादा हो, ना करंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होने में, यानी पेबल बहुत ज्यादा होने में क्या प्रॉब्लम है, कल को वो लोग आपको उधार पे फिर चीजें नहीं देंगे। अगर आप पेबल को टाइमली पैसे नहीं ना देंगे तो वो आपको उधार पे चीजें नहीं देंगे, या देंगे तो महंगी चीजें देंगे, इंटरेस्ट नहीं लेते पेबल, महंगी चीजें देंगे, या वो आपको कहेंगे जनाब आपसे मैंने काम ही नहीं करना, मैंने आपको चीजें नहीं देनी। तो आपका जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है या जो बिजनेस की प्रोडक्ट का सप्लायर है वो आपके साथ बिजनेस ही बंद कर सकता है, तो आपको फिर ऑल्टरनेटिव सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हर जगह है, पेबल ना होना भी नुकसानदेह है। पेबल ना होने का मतलब है कि आपके पास पैसे आते हैं, आप धड़ाधड़ पेबल को दिए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके पेबल ना होने के बराबर है, तो भाई पेबल पे सूद नहीं पड़ता। इसीलिए पेबल एक फ्री सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर इंडस्ट्री में लोग 15 दिन बाद पेबल को पैसे देते हैं तो आपको कैसी आग लगी हुई है, आप भी 15 दिन बाद पैसे दें, 15 दिन तक वो पेबल के पैसे अपने कारोबार में क्या करो, यूज करो। समझ आ रही है? आपने देखा होगा कई दुकानदार हैं, उनके पास पैसे लेने आते हैं, वो कहते हैं कल आना, परसों आना, चौथा आना, इस तरह चक्कर क्यों लगवाते हैं। असल में वो पेबल के पैसे क्या कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर रहे होते हैं, ताकि अपनी डे टू डे वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा किया जा सके। अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दो ऑब्जेक्टिव हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? पहले को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे को कहते हैं लिक्विडिटी। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? एक का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरे का नाम क्या है, लिक्विडिटी। अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम होगा, सुन लो गौर से, अगर आपका वर्किंग कैपिटल क्या होगा, कम होगा, कम होने का मतलब आपके पास कैश कम है, आपके पास इन्वेंट्री कम है जिसको आप कैश में कन्वर्ट लेटर ऑन नहीं कर सकते। अगर आपके करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल कम होगा तो आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी। कौन सी प्रॉब्लम होगी? लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी। दो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा है, प्रॉफिटेबिलिटी, और दूसरा, और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, एक को आप अच्छा करने जाएंगे दूसरे का बेड़ा गर्क होगा। अगर कोई इदारा बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल के साथ काम कर रहा है, यानी उसके नेट करंट एसेट्स या उसकी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो उस इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी लेकिन लिक्विडिटी पोजीशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी गिरने से क्या मुराद है, देखें इन्वेंट्री ज्यादा होगी, ये सारे नुकसान थे ना मैंने, इन्वेंट्री ज्यादा होने से आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, इन्वेंट्री ज्यादा होने से चोरी का खतरा है, इन्वेंट्री ज्यादा, ये सारे मसाइल बताए थे मैंने, ये ज्यादा इन्वेंट्री रखने के थे। इसका मतलब है जब किसी इदारे में वर्किंग कैपिटल टू मच होगा, इसका मतलब है वहां पे करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा होने से इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी लेकिन लिक्विडिटी बेहतर है। लिक्विडिटी का मतलब है कंपनी कैन पे टू इट्स ऑब्लिगेशन, कंपनी कैन इजीली पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल ड्यू। जैसे ही कंपनी की ऑब्लिगेशन ड्यू होंगी तो कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को टाइमली पे कर सकेगी। बोलना नहीं लड़की, अगर किसी कंपनी का बहुत कम हो वर्किंग कैपिटल क्या हो,
तो उस इदारे में लिक्विडिटी पोजीशन पुअर हो जाती है और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी को समझाने का एक और तरीका है, प्रॉफिटेबिलिटी की एक रेशियो है, उसका नाम है रॉस। कभी सुना ये रॉस, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये प्रॉफिट की एक रेशियो है। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आता है किसी को? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं, तो बैलेंस शीट वाला तरीका होता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस लायबिलिटी वाला साइड वाला, ये तरीका होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये तरीका छोड़ दें फिलहाल, अगर मैं इस तरीके के मुताबिक चलूं तो ये जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी है, ये क्या चीज है? ये वर्किंग कैपिटल है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगा तो नीचे वाला कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड के ज्यादा होने से रॉस क्या होगी? ये इस चीज का प्रूफ है कि जैसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा होता है तो इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, उसको इस रॉस से भी समझाते हैं कई टीचर के, बेटा देखो बिजनेस की रॉस गिर जाएगी, आपकी इन्वेंट्री बढ़े, रिसीवेबल बढ़े, आपके एसेट्स बढ़े, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाता है। वो समझ आइए, नहीं समझ आइए लड़की, क्या कह रहा हूँ मैं है? हाँ, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने से कैसे कम होगी? मैंने ये कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूला किस चीज का था? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस क्या है इसमें, इस फॉर्मूले में जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला, ये चीज किसको शो करती है? वर्किंग कैपिटल को। तो वर्किंग कैपिटल जितना ज्यादा होगा किसी बिजनेस का, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड उतना ज्यादा होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड के ज्यादा होने से इदारे की रॉस या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इधर आते हैं, जरा देखते हैं, यहाँ पे अपने नोट्स पे भी जरा निगाह दौड़ा ले। यहाँ पे वो क्या कहता है? कहता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी आर द यूजली साइटेड एज ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। यानी दो ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा। और वो कहता है जो प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव है, ये शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ भी कनेक्टेड है। किसी भी इदारे का जितना प्रॉफिट ज्यादा होता है, उतनी शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है इदारे की। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ने से क्या बढ़ने से? शेयर होल्डर की वेल्थ में इजाफा होता है। और लिक्विडिटी क्यों जरूरी है? कहता है लिक्विडिटी इज नीडेड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल क्लेम्स ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सेटल्ड एज दे बिकम लायबल फॉर पेमेंट। अब उसने ये बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी की क्यों जरूरत है और लिक्विडिटी की क्यों जरूरत है। प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करेगी। लिक्विडिटी इसलिए जरूरी है कि आपके द्वारा टाइमली अपनी ऑब्लिगेशन को मीट कर पाएगा। कहता है दोनों में क्या मकसद, दोनों में क्या पाया जाता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है? जैसे मसलन उसने कहा है कि लिक्विड एसेट में, जैसे बैंक है, अगर आपका कैश एट बैंक बहुत ज्यादा पड़ा हो करंट अकाउंट में, तो क्या आप उस पर कोई सूद कमा सकते हैं? नहीं ना कमा सकते। उसने मिसालें दी है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में लिक्विड कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो उस पर मैं रिटर्न नहीं कमा पाऊंगा। तो उसने कहा जितने ज्यादा आपके लिक्विड एसेट्स होंगे, जितना ज्यादा कैश आपके करंट अकाउंट में, आपके ऑफिस के दराज में पड़ा होगा, वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करेगा, लेकिन आपकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होगी। जब कोई पेमेंट लेने आएगा आपको एलएफआई पैसे, जब कोई पेमेंट लेने आएगा आप उसको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे, लेकिन वो लिक्विड कैश जो पड़ा हुआ है आपके दराज में, वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा। उसके अलावा वो कहता है लिक्विड एसेट्स इनफैक्ट इनकर एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके अलावा वो ये भी कहता है कि आपका जब लिक्विड कैश पड़ा होता है तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से भी आपके लिक्विड कैश की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये भी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता है। यानी उसने प्रॉफिटेबिलिटी को कम करने की दो रीजंस दी हैं, एक चीज को पकड़ के, और वो क्या है? लिक्विड कैश। बाकी रिसीवेबल पे भी यही रूल अप्लाई होता है और बाकी इन्वेंट्री पे भी। वो कहता है जी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटीज में, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ हालात में प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ हालात में क्या इंपॉर्टेंट होगा? लिक्विडिटी। तो आगे अब आपने इसको पढ़ लेना है सारा, कि अगर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करें तो क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। अभी फिलहाल दो बातें हमने की हैं, समझ आ गई हमें? पहली, वर्किंग कैपिटल क्या है, और वर्किंग आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखने, बस कितने ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के? दो, एक प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या है कि इदारा इतना प्रॉफिट कमा ले कि इदारे के शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो, मैक्सिमाइज हो, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है। लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इदारे के पास इतने लिक्विड रिसोर्सेज या लिक्विड एसेट्स हों कि इदारा टाइमली अपने ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, पे कर सके, फुलफिल कर सके। दोनों ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओगे तो लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, लिक्विडिटी बढ़ाओगे लिक्विड कैश, उसने मिसाल दिया लिक्विड एसेट जितने बढ़ाओगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कॉम्प्रोमाइज। ये कॉन्फ्लिक्ट समझाया उसने। आगे चलते हैं, किसी भी इदारे में वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है, यानी इन्वेंट्री में, स्टॉक में, रिसीवेबल में क्या फायदा है और क्या नुकसान आते हैं, आ जाए जरा जी। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के क्या फायदे हैं, तो पहला फायदा उसने लिखा हुआ है कि जब आपके इदारे में इन्वेंट्री पड़ी हो, बहुत ज्यादा ना हो, रीजनेबल इन्वेंट्री पड़ी हो, तो आप अपने कस्टमर को उसकी डिमांड के मुताबिक आराम से चीजें क्या कर सकते हैं, ये बात हमने कर ली हुई है वैसे। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये है कि जब आप कस्टमर को उधार पे बेचेंगे, उधार पे बेचने से क्या बढ़ेगा बैलेंस शीट में, रिसीवेबल, और वो रिसीवेबल आपके इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। लेकिन वो कहता है उधार पे बेचने से आपकी सेल में इजाफा होगा, अगर आप उधार पे ना बेचें तो आपके कस्टमर किसके पास चले जाएंगे, आपका जो कंपेटिटर है उसके पास स्विच कर देंगे। तो उधार पे चीजें बेचने से आप अपने कस्टमर को अपने पास ही रिटेन कर पाते हैं, और अगर कैश पे बेची जाए और कह नहीं हमने तो उधार पे देनी नहीं, तो क्या होगा, आप वो कस्टमर लूज कर देंगे और वो कस्टमर किसके पास चला जाएगा, स्विच करके आपके कंपेटिटर के पास। तो दो फायदे अभी इसने बताया, नंबर वन एक इन्वेंट्री का बताया कि इन्वेंट्री रखने से हम कस्टमर की कभी भी डिमांड आ जाए तो मीट कर लेंगे। नंबर टू उधार पे चीजें बेचने से जो रिसीवेबल आते हैं, वो रिसीवेबल नो डाउट आपके पैसे बाउंड तो हो रहे हैं लेकिन आप अपने कस्टमर को लूज नहीं होने देते। तीसरा फायदा उसने किस चीज का बताया, वो कहता है कुछ पैसे जो आपके बैंक अकाउंट में पड़े होते हैं वो भी बड़े फायदेमंद है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी कोई एक्सपेंस आ जाए तो आप उसको टाइमली बेसिस पे क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। वो कहता है जी इमीडिएट पेमेंट करने के लिए हमारे पास लिक्विड कैश जो हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा होता है वो भी बड़ा फायदेमंद है। तो उसने असल में फायदों में पता क्या है, जो उसके करंट एसेट्स के एलिमेंट थे ना, इन्वेंट्री, रिसीवेबल और कैश, उसने उनके रखने के फायदे बता दिए। बस समझ आ रही है आपको, इन्वेंट्री का फायदा बताया कि आप कस्टमर को डिमांड मीट कर देंगे, रिसीवेबल का फायदा है कि कस्टमर आप लूज, और कैश बैंक अकाउंट में, लिक्विड कैश बैंक अकाउंट में रखने का फायदा है जब कोई पेमेंट लेने आए फटाफट उसको पैसे पकड़ा देंगे। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। ये क्या लिखा हुआ है, जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल होने का एक ही नुकसान है, इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी, इदारे की कॉस्ट, बस ये एक नुकसान है। यहाँ पर आप देखें बुलेट्स ने लिखा होगा लेकिन उसने ये लिखा होगा कि जब आपके पैसे इन्वेंट्री में फंस जाते हैं, रिसीवेबल में फंस जाते हैं और आपके बैंक अकाउंट में फंस जाते हैं तो आप उन पैसों से कुछ नहीं कमा रहे, इन्वेंट्री भी बेकार पड़ी है, नहीं बिक्री, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो गई है, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा पड़ी हुई है, इसका मतलब है बिक नहीं रही तो कुछ नहीं कमा रहे। रिसीवेबल बहुत ज्यादा होने का मतलब है यू आर अनएबल टू कलेक्ट ऑन टाइमली बेसिस, जिसका मतलब है बैड डेट्स, जिसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारे का क्रक्स ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल रीजनेबल हो, जब जरूरत से बहुत ज्यादा होगी तो इदारे की कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ने से इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, उसने एक फॉर्मूला बताया हुआ है कॉस्ट का। उसने कहा जब आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इदारे की सालाना कितनी कॉस्ट पड़ती है, अगर आप वो देखना चाहें तो उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इन टू एनुअल, ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस उसको कहते हैं असल में, इंटरेस्ट कॉस्ट को। और अगर आपका इदारा इक्विटी एट दोनों से पैसे लेता है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, असल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट नहीं होता जो, उसको भी कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट को, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का रेट भी कहते हैं। तो ज्यादातर वैसे इस चैप्टर में इंटरेस्ट का रेट मुराद होता है, वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट भी दे सकता है। तो अगर आपने ये देखना हो कि हमारे इदारे की इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट क्या है, खर्चा कितना पड़ रहा है, तो आपका जितना वर्किंग कैपिटल है उसके ऊपर आप अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट अप्लाई कर दें या आप अपना इंटरेस्ट रेट अप्लाई करें, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो वो पैसा लिया हुआ है, मुफ्त तो नहीं आया, उस पैसे की कॉस्ट क्या बनती है वो आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, क्या न्यूमेरिकल आ सकता है, एक छोटा सा देखिए, मिसाल के तौर पर मैं
अभी जो पीछे आपसे किया था, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ बिजनेस का करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, करंट ईयर में बिजनेस की इन्वेंट्री जो है वो 50,000 है, नेक्स्ट ईयर में वो हो जाती है कितनी और रिसीवेबल, करंट ईयर में बिजनेस किए हैं 30,000, नेक्स्ट ईयर में हो जाते हैं 40,000, तो टोटल आपको करंट एसेट्स चाहिए 80 और 1,00,000 पेबल 30,000 और यहाँ पे 40,000, तो कितना वर्किंग कैपिटल आता है, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, यानी पिछले साल तक हमें अपने करंट एसेट्स के लिए 50,000 रुपए लेने पड़ते थे, जहां से भी फंड्स लेने होते हैं 50,000 रुपया, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% हो, कितनी कॉस्ट हो तो आपको इस पे कितनी कॉस्ट पड़नी थी ये पैसे लेने की, 50,000 का 10% कर लो, अगले साल यही मेरा ख्याल है आपको अगर 10% कॉस्ट हो तो आपको 80,000 का 10% कितनी कॉस्ट पड़ेगी, कितना इंक्रीज आया। इसका मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बढ़े तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कम हो तो फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, वजह यह है कि वो अमाउंट जो बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो कहते हैं इसमें याद कुछ नहीं करना, नहीं ये याद करना है, हेलो एरटा लाओ, अगर वो आपसे पूछ ले कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बताएं या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, तो ये याद करना है आपने, बाकी ये बेनिफिट्स वगैरह याद रह जाए तो ठीक है, ये को वो नहीं है कि जो किताबी है आप अपनी अपने अल्फाज में बना सकते हैं इन्वेंट्री रिसीवेबल के फायदे। हाँ जी ठीक है, समझ आ गई, कितनी बातें होंगी, 4 बातें, हमने 4 बातें पढ़ ली हैं। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स में पैसे लगाने का फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। ले जी अब आ जाएं आगे, नहीं वो टाइम इतना भी कम नहीं लगाना, अभी ठहर जो को 5-7 मिनट, एक चीज और पढ़ लें, मैंने खुद कहा था, मैं ही खुद कह रहा हूं, यू टर्न लेना तो हमारी आदत बन गई है, पाकिस्तान है जी। आखिरी चीज है, बस मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और लूंगा आपके, मैक्सिमम कितने हुए, 51 मिनट हुए ना, जैसे ही 3 बजेंगे हम ऑफ कर देंगे, आज मैंने इसने क्योंकि चैप्टर छोटा है तो मैं अगर आज ही सारा पढ़ा दूंगा तो आपने कहना सर ने खींच दिया है, तो बस थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, बाकी आप जाके घर इसको नोट्स पढ़ लीजिएगा, ये काम इंपॉर्टेंट है, हमें इस पे सवाल आ सकता है। आपने किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन या ये देखना हो कि उसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसी है, क्या उस इदारे की वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट अच्छी है या वो बुरी मैनेजमेंट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल परफॉर्मेंस। मैंने अगर देखना हो कि आपके इदारे की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है तो उसका क्या तरीका कार है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये बताया कि लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले क्या बताया, तो मैंने आपको पहले बताया था लिक्विडिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे कहता है लिक्विडिटी ऑफ फॉरेन एंटिटी मींस हैविंग एक्सेस टू सफिशिएंट कैश टू मीट ऑल पेमेंट ऑब्लिगेशन व्हेन दे फॉल्ड, और खास तौर पर कौन सी ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म। ठीक है, किसी भी इदारे के सोर्सेज ऑफ लिक्विडिटी क्या है, यानी उसके पास लिक्विड कैश कहाँ कहाँ से आएगा, लिक्विड कैश कहाँ कहाँ से आएगा जी भाईजान, लिक्विड कैश कहाँ कहाँ से आएगा पढ़े जरा बताएं मुझे, किसी भी इदारे के पास लिक्विड कैश आने के क्या सोर्सेज हैं, एक तो वो जो बिजनेस चला रहा है प्रोडक्ट बेच बेच के जो पैसे आ रहे हैं वहां से कैश आएगा इदारे के पास, उसके अलावा आपके पास बैंक में पैसे पड़े हों या कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो 3 माह में कैश में कन्वर्ट हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरा, अगर आपके पास अपना कैश नहीं है तो बैंक से उधार ले लें, ये दोनों आपके अपने पैसे हैं, बिजनेस के ऑपरेशन से कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी किसी दौर में वो बेच के बैंक में पड़ा हुआ कैश, और अगर आपके पास बैंक में भी पड़ा हुआ कैश नहीं है तो आखिरी आपके पास हल क्या है, उधार, बोरिंग। तो किसी भी इदारे के पास कैश आने के ये सोर्सेज है। उसके बाद लिक्विडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके बिजनेस का सर्वाइवल इस पे पॉसिबल है, अगर आप लिक्विडिटी पोजिशन आपने कंट्रोल ना की तो आप अपनी जब ऑब्लिगेशन एक खास लिमिट से ऊपर जाने देंगे ना, और आप नहीं देंगे तो सारे क्रेडिटर आपके कोर्ट में जाके आपके बिजनेस को बंद भी करा सकते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपके है कि नहीं, लॉ में एक होता है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर, होता है
कोई चीज होती है वाइंडिंग अप बाय क्रेडिटर, वो तभी होती है जब आप अपने क्रेडिटर के पैसे टाइमली ना ना दें, वो कोर्ट में चले जाते हैं जनाब इनको बंद करें, साढ़े पैसे भी नहीं दे रहे, आप खादी जाते ने सानू पैसे, तो किसी बिजनेस के बंद होने का खतरा हो सकता है, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। उसके अलावा आप पे लिटिगेशन हो सकती है, केस हो सकते हैं, डेफिनेटली उसकी लिटिगेशन की कॉस्ट होगी, और अल्टीमेटली बिजनेस क्या हो सकता है, लिक्विडेट हो सकता है। किसी भी बिजनेस की लिक्विडिटी को मैयर करना हो तो उसके दो बड़े तरीके हैं, लिक्विडिटी को मैयर करना हो तो कितने तरीके हैं, पहला लिक्विडिटी की रेशियोज और दूसरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल, दो मेन तरीके हैं, लिक्विडिटी रेशियोज और दूसरा कौन सा है, लिक्विडिटी रेशियोज में आपके पास दो मेन रेशियो हैं, वो मैंने कॉपी नहीं की यहां से, लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास दो मेन रेशियो हैं, एक क्या है करंट रेशियो, शायद आपने कभी सुना हो, और दूसरा क्विक रेशियो, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, कि कारोबार में कितना पानी है, कितना दम है जी, क्विक रेशियो और दसों पॉइंट। करंट रेशियो क्या बताती है, इस रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर्मूला तो आपने याद किया होगा, नहीं दोबारा बताओ, हमारे अवेलेबल करंट एसेट हमारी करंट लाइबिलिटी को कितने टाइम्स इजीली पे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को कितने टाइम कवर कर रहे हैं, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को कितने टाइम, या करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से कितने गुना ज्यादा है, या हमारे करंट एसेट हमारे करंट लाइबिलिटी का कितना पोर्शन है, या कितने टाइम्स है, ठीक है, तो हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लाइबिलिटीज को कितने टाइम्स कवर कर रहे हैं, ये ज्यादातर है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए कितने टाइम्स अवेलेबल है, या कितने टाइम्स आसानी से कवर कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट ओवर, मैं इसका आंसर टाइम्स में लिखता हूँ, पास टीचर इसका आंसर इस तरह लिखवाते हैं, रेशियो वन करके, रेशियो वन करके लिखने का मतलब है अगर एक रुपए की करंट लाइबिलिटी है तो उसको पे करने के लिए दो रुपए के करंट एसेट होंगे, तीन रुपए के करंट एसेट होंगे, पांच रुपए के होंगे, यानी करंट रेशियो किसी भी इदारे की करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी को अदा करने के लिए कितने टाइम्स अवेलेबल है, ये वो रेशियो बताती है। अब इस रेशियो का कम होना बेहतर है या ज्यादा, बताएं, करंट रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा हो तो अच्छा है, एक अपरेंट ज्यादा हो तो अच्छा है, या कम होती जाए हर साल, मसलन मैं आपको तीन साल का डाटा देता हूँ और आप तीन सालों में कंपेयर करें और आपकी करंट रेशियो गिरती जा रही है, बताएं ये अच्छा है कि बुरा है। नॉर्मली करंट रेशियो किसी एक साल से हम डिसाइड नहीं कर सकते, आपको ओवर द ईयर इसका कंपेरिजन करना है। दो तरीके होते हैं इसके बारे में कहने की, इसके बारे में राय कायम करने के, कि अच्छी है कि बुरी है। पहला तरीका होता है हिस्टोरिकल कंपेरिजन, कौन सा कंपैरिजन, दूसरा इंडस्ट्री कंपैरिजन। हिस्टोरिकल कंपैरिजन में आप अपने ही इदारे की पिछले सालों की करंट रेशियो से कंपेयर करेंगे, अगर ये पिछले सालों के मुकाबले में आपकी करंट रेशियो डिक्रीज कर रही है, पिछले सालों के मुकाबले में अगर ये डिक्रीज कर रही है तो इसको बुरा समझा जाएगा, और अगर ये पिछले सालों के मुकाबले में अगले सालों में करंट रेशियो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो इसको बेहतर समझा जाएगा, यानी इदारे की लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर जा रही है। अच्छा, इंडस्ट्री कंपैरिजन का क्या मतलब होता है, दसो बाजी जी, इंडस्ट्री से क्या मुराद है, आप ही के सेक्टर में, आप ही के, मसलन आप टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है तो बाकी सारी टेक्सटाइल सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उनकी एवरेज करंट रेशियो क्या है, मसलन उनकी एवरेज करंट रेशियो है 2.5, कितनी है, अब हमारी करंट रेशियो अगर 2.5 से नीचे है तो बुरी होगी, 2.5 के बराबर या उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, बहुत ऊपर नहीं हो, उसके करीब करीब हो, यानी हमारी इंडस्ट्री एवरेज से कम होगी करंट रेशियो तो अच्छी बात नहीं है, अगर इंडस्ट्री एवरेज रेशियो के बराबर या उससे स्लाइटली अबव है तो उसको बेहतर समझा जाएगा, तो फिर हमारी जो करंट रेशियो है वो लेस देन, अगर इंडस्ट्री की करंट रेशियो जो इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज हैं
उनकी करंट रेशियो से अगर कम है तो बुरी समझी जाएगी, और अगर हमारी कंपनी की करंट रेशियो इंडस्ट्री के बराबर है या उससे थोड़ी सी ज्यादा है, इंडस्ट्री की करंट रेशियो से ज्यादा है तो इसको बेहतर समझा जाएगा। वो ऐसे ही है ना? नहीं समझ आ रही। अच्छा, अब करंट रेशियो के मुकाबले में एक चीज है क्विक रेशियो, ये क्यों निकालते हैं पहले ये बताओ मुझे। जी भाईजान आपने बतानी है, जब करंट रेशियो हमारा मकसद पूरी कर रही है तो हमें ये क्विक रेशियो की तरफ जाने की क्या जरूरत है, बताओ भाईजान। हमें करंट रेशियो जब है तो क्विक रेशियो की तरफ क्यों गए, क्यों क्यों? दसो भाई, बाज इदारों में आपकी इन्वेंट्री जो होती है ना वो बड़ी स्लो मूविंग होती है, क्या होती है, उन इदारों में फिर आप इन्वेंट्री को अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते आसानी से कन्वर्टेबल इनटू कैश, वहां पे फिर आपको अपनी करंट लाइबिलिटी अगर पे करनी है तो इन्वेंट्री के अलावा बाकी करंट एसेट्स आपको देखने पड़ते हैं कि हमारे पास रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश जो करंट एसेट है जिनको क्विक एसेट्स कहते हैं वो कितने टाइम्स अवेलेबल है टू पे द करंट लाइबिलिटीज। अब आप अपनी इन्वेंट्री को बेस कर रहे हैं और इन्वेंट्री आपकी बिकती बड़ी आराम आराम से है, तो बाज इदारे ऐसे होते हैं जिनकी इन्वेंट्री फास्ट मूविंग होती है उनके लिए तो करंट रेशियो काबिले कबूल है, लेकिन बाज इदारों की इन्वेंट्री क्या होती है, स्लो मूविंग होती है, जिस वजह से करंट रेशियो आपकी बढ़ रही होती है इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि इन्वेंट्री बिक नहीं रही इकट्ठी हो जा रही है तो आपकी करंट रेशियो बढ़ती जा रही है। तो करंट रेशियो इज अ क्रूड मेजर ऑफ लिक्विडिटी, क्रूड मेजर है। लोगों ने अब फिक्स कर दिया कि करंट रेशियो निकालो साथ क्विक भी निकालो, क्योंकि क्विक करंट रेशियो क्रूड है, कई दफा ये ज्यादा हो रही होती है एक वजह प्रॉब्लम की वजह से, और वो प्रॉब्लम क्या है, हमारी इन्वेंट्री बिक नहीं रही बढ़ रही है जिस वजह से आपकी करंट रेशियो बढ़ती जा रही है। तो असल में जो रिफाइंड मेजर ऑफ लिक्विडिटी है जो कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट अलहदा करके बताता है वो हमारी क्विक रेशियो है। तो क्विक रेशियो बताती है रेडिली कन्वर्टेबल इंटू कैश जो आपके लिक्विड एसेट्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं टू पे योर करंट लाइबिलिटीज। तो इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय, हाँ जी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या है, हाँ लिक्विड एसेट निकालने का तरीका होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो हमारी किताबें ये फॉर्मूला यूज करती हैं, तो आप ये यूज कर ले, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री करने से लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे विच आर रेडीली कन्वर्टेबल इंटू कैश। इसका भी आंसर हम मैं टाइम्स में लिखता हूं, इसके साथ भी वही असूल है, हिस्टोरिकल कंपैरिजन भी हो सकता है, कम होना बेहतर है ज्यादा होना, ज्यादा होना ठीक है। अच्छा कई दफा ऐसे होगा करंट रेशियो बढ़ रही होगी लेकिन क्विक रेशियो गिर रही होगी, अब आप मुझे बताओ, नहीं नहीं आपने बस मुझे बताना है लिक्विडिटी पोजिशन इदारे की अच्छी है कि बुरी है, करंट रेशियो बढ़ रही है लेकिन क्विक रेशियो गिर रही है पांच सालों में पिछले, बताओ हमारी लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छा समझा जाएगा या बुरा, क्योंकि करंट रेशियो मैंने कहा क्रूड मेजर है, रिफाइंड मेजर कौन सा है, दोनों बढ़ रही हो ऑल इज वेल, दोनों गिर रही हो ऑल इज पुअर, लेकिन अगर दोनों का ऑपोजिट क्लैश हो तो आपने असल में अहमियत किसको देनी है, हमें क्विक रेशियो इज रिफाइंड मेजर ऑफ लिक्विडिटी, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन खराब है और वो जो आपकी करंट रेशियो बढ़ गई है ना वो असल में इन्वेंट्री पाइल अप होने की वजह से बढ़ गई है, टेम्परेरीली आर्टिफिशियली बढ़ रही है और असल इंक्रीज इन करंट रेशियो नहीं है। चले बस नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, आप इसको पढ़ के आइएगा यहां तक बस, कल भी थोड़ा सा ही करेंगे काम, नोट्स फोटोकॉपियर के पास है उसको पिछली दफा वाले ही वर्किंग कैपिटल के दे दो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नोट्स दे दो फोटोकॉपियर से आप कह दें ठीक है। तो एक मिनट मैं बता दूं किस पेज तक पढ़ के लाना है आपने, पेज नंबर 4 तक, चार सफे पढ़ाए हैं मुश्किल से 12-8-11 सफे तरफ, ये आगे सवाल है 2700 से परेशान ना हो, 11-12 सफे हैं सारे, तो इसमें से सिर्फ आपने मोटी मोटी ये फॉर्मूले देखने हैं और कुछ नहीं है चैप्टर में, तुम याद कराती हो क्लास के एंड पे, तुम्हारा 27 को है, 27 को टेस्ट 27 को है, कल नहीं है, कल क्लास है।